मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की जो सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाईसाइक्लिक कंपाउंड। इससे पहले आप साइक्लो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं। अब साइक्लिक की बात करें तो बाईसाइक्लिक का मतलब दो साइक्लिक कंपाउंड, यानी दो कंपाउंड जब आपस में मिलेंगे। मान लो मेरे पास यह है साइक्लोप्रोपेन और मैंने फिर एक और दूसरा इकट्ठे जोड़ दिया, मगर इनका ब्रिज पॉइंट क्या है? सेम है। अब जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो साइक्लिक कंपाउंड आपस में इस कार्बन से क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। अब हम बात करें नंबरिंग की, इन दोनों पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रिज हेड। ये क्या कहलाएंगे हमारे? ब्रिज हेड। यहाँ पे इस ब्रिज हेड और इस ब्रिज हेड को जोड़ने के लिए कितने कार्बन चाहिए? एक, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे क्या है? दो। तो ये जो हमारे कार्बन है इनको हम बोलते हैं ऐसे टू कार्बन ब्रिज। यहाँ पे टू कार्बन ब्रिज बन रही है और यहाँ पे वन कार्बन ब्रिज बन रही है। अब नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे दो साइक्लिक बाई साइक्लो, अब ब्रैकेट में क्या करना है ध्यान रखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन ब्रिज है? दो दो एक, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू टू वन और स्क्वेयर ब्रैकेट बंद। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेप्टेन। तो ये इसका क्या हो गया? नोमेनक्लेचर। दिस इज द बाई साइक्लो टू टू वन हेप्टेन। अब मुझे पता चल गया कि इसके और इसके बीच में एक बार दो, फिर एक बार दो और एक बार एक कार्बन ब्रिज इस्तेमाल हो रहा है। अब हम बात करें इसी तरह से, ये मैंने कुछ एग्जांपल बना रखे हैं प्रैक्टिस के लिए जिससे आप कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो एक बात याद रखिए, जो ब्रिज हेड होंगे वहीं से नंबरिंग करनी है, वन टू थ्री फोर। तो टोटल कार्बन कितने हैं? फोर, मतलब बाईसाइक्लिक है तो वर्ड क्या आएगा? बाईसाइक्लो ब्रैकेट में। अब इधर कितना? वन, ये क्या है? वन, इसके बीच में कोई कार्बन। अब टोटल कार्बन कितने हैं? चार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसी तरह अगर नेक्स्ट को देखें हम ध्यान से, तो हमारा ब्रिज हेड कहाँ है? ये है हमारा ब्रिज हेड। अब इसके बात करें एक दो तीन चार, जैसे जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, एक दो और यहाँ पे एक, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। हमेशा नंबरिंग किस साइड से करनी है? जो बिगर रिंग होगी। जैसे अब इधर दोनों दो दो, दोनों सेम है तो कहीं से भी कर सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये क्या हो गया? सेवन। तो टोटल कार्बन सेवन हो गए, मगर बाईसाइक्लिक अगर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बाईसाइक्लो ब्रैकेट में कितने इधर? दो, ये भी कितने हैं? दो, ये क्या है? एक, तो टू टू वन स्क्वेयर ब्रैकेट। अब टोटल कार्बन कितने हैं? सेवन, तो क्या आ गया? हेप्टेन। तो टू टू वन क्या हो गया? बाईसाइक्लो टू टू वन हेप्टेन। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, यहां पे बात करें ब्रिज हेड कौन सा है? ये हमारा। अब इसके बीच में कितने आ रहे हैं? एक इधर है, एक इधर है, दो इधर है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? इधर से। तो नंबरिंग कैसे होगी? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बाई साइक्लो ब्रैकेट में दो एक एक टू वन वन ब्रैकेट बंद। अब टोटल कार्बन कितने हैं? सिक्स, तो ये क्या हो गया? हेप्टेन। तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो इसे नोट कर लीजिए स्क्रीन, क्योंकि मैं एरर करूंगा, थोड़ा जगह बन जाएगी, आपको अच्छे ढंग से समझाने में फायदा होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपाउंड की। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, ब्रिज हमारे कौन से हैं? ये दो हैं, ठीक है। यहां से अगर हम ध्यान से देखें, एक दो तीन चार पांच, यहां से करें एक दो तीन चार, चार की, और इसके बीच में कितना आ रहा है? केवल एक। तो ज्यादा किधर है? इधर है, तो नंबरिंग इस तरह से होगी, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इधर दो है, इधर एक है, फिर हम इधर से नंबर जाएंगे सिक्स सेवन और फिर क्या हो जाएगा? एट। मगर एट पे क्या है? जब ये होता है, ये तुम्हें पता है, ये कार्बन होता है, यानी ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। जब हम कभी इस तरह दिखा देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे सी है, और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे? तीन। तो ये मिथाइल ग्रुप है एट नंबर पे। तो अब ऐसे कैसे नोमेनक्लेचर होगा? तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एट मिथाइल बाई साइक्लो ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में स्क्वेयर ब्रैकेट में कितना लिख दो? एक दो तीन, और यहां पे दो एक, थ्री टू वन स्क्वेयर ब्रैकेट बंद।
अब टोटल कार्बन कितने हैं स्टूडेंट, टोटल 8 हैं, तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन, ये इसका क्या हो गया नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट को देखते हैं, तो ब्रिज हेड कहां पे है, ये दो यहां से गिरे, 1 2 3 आ रहे हैं इस तरह में, 1 और इस तरह में 1, तो हमारा नोमेनक्लेचर क्या होगा, टोटल वैसे कार्बन नंबरिंग कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाईसाइक्लो, टोटल अभी तक कितने हैं 3 1 1 ब्रैकेट बंद, टोटल 7 है, तो क्या हो गया हेप्टेन। अब थोड़ा सा अब यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, अब यहां पे काउंट करें स्टूडेंट कार्बन, जैसे हमारे ब्रिज हेड कहां पे हैं, ये दो रहे, मेन है ब्रिज हेड देखना, ये हो गया। अब नंबरिंग कहां से करें, जहां पे डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, दूसरी बात वो रिंग बड़ी होनी चाहिए, जैसे यहां से हम बात करें 1 2 3, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है, तो हम क्या करेंगे अब बाईसाइक्लो ब्रैकेट कितने हैं 1 2 3 3, वहां कितने हैं 2, फिर क्या है 2 ब्रैकेट बंद, अब टोटल कितने हैं 9 है नोन, अब डबल बॉन्ड कितने पे है 1 पे 1 3, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखा देंगे, ठीक है। अब यहां पे फंक्शनल ग्रुप भी आ गया सीएल, अब क्या ये नहीं करना कि वे 1 2 कर दिया, नहीं, यहां से आप ध्यान देखिए ब्रिज हाइड मेरे कौन से हैं, ये दो हैं, ठीक है। अब यहां से देखें इधर 1 2 रिंग ये बड़ी बन रही, यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 1 2 इसमें भी आ रहा है, तो नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5, अब इधर 6 नहीं जाएगा, हम सोचे भी क्लोरीन है तो कर देंगे, नहीं 6 7 फिर ये 8, पहले बड़ी रिंग फिर छोटी फिर छोटी, इस तरह हमें चलना है, तो हमारा ये हो गया टोटल 8 पे क्या हो गया क्लोरीन, तो नेम क्या हो जाएगा 8 क्लोरो, मेरे पास जगह उधर शायद कट जाएगा इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं बाईसाइक्लो ब्रैकेट स्टार्ट, कितने हैं यहां पे 1 2 3 2 3 2 1, ठीक है, और टोटल कितने स्टूडेंट 8 हैं, तो क्या नाम हो जाएगा ऑक्टेन, ये एक ही लाइन में आएगा, मगर मुझे है कि अगर मैं उधर लिखूंगा शायद ये कट जाएगी स्क्रीन, आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 3 2 1। अब सेम इधर आपको रिंग पड़ी है, ये रिंग छोटी है, तो ब्रिज हाइट तो यही है, नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी, तो क्या करें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ऐसा नहीं करना कि डबल बॉन्ड नजदीक पड़ा यहां से एक नंबरिंग कर दे, नहीं ब्रिज हाइट से, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, कितने हैं टोटल 1 2 3 4 और वहां पे 2, तो 4 2 1 1, नहीं यहां इनके बीच में कोई नहीं है 0 4 2 0, और टोटल कितने 8 हैं ऑक्ट, डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है 3 पे 3 पे, क्या हो गया 3, तो ये हमारा नोमेनक्लेचर है। तो इस तरह बड़े आराम से मैंने काफी प्रैक्टिस आपको करवा दी है, फिर भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसकी आपको नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ रही है बाईसाइक्लिक की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसका क्लिक करके पीडीएफ फाइल बना के लिंक डाल दें, कई बार होता है क्लिक कमेंट बॉक्स में नहीं आता, तो आप उसका क्या कर सकते हैं क्लिक करके उसका लिंक बना के पीडीएफ फाइल वहां डाल दें, मैं उस क्वेश्चन को जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करूंगा, और अगर कहीं दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।